Today's topic is kinds of शेयर. तो kinds of शेयर यानी शेयर के प्रकार कितने टाइप के होते हैं. शेयर कोई एक नया वर्ड नहीं है. शेयर बहुत ही जो आप अननोन है ऐसी बात नहीं कर सकते. शेयर के बारे में आप जानते हो. शेयर होता क्या चीज़ है, एक थोड़ी सी एग्जांपल देकर हम बात करते हैं. जैसे किसी भी चीज़ का कितने भी पार्ट में डिवाइड किया जाए वो क्या हो गया, उतने पार्ट का वो शेयर हो गया. फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कोई हमने एक चीज़ है इस सर्कल में जितने पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं वो क्या हो गया हमारी, वो शेयर. ये एवरी पार्ट क्या हो गया हमारी, शेयर. ठीक. अब ये जो शेयर होता है, अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक शेयर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो अगर हम बात करते हैं तो जितने भी पार्ट में जो कोई चीज़ को डिवाइड किया गया वो हमारे हो गए क्या, शेयर. अब कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 43 के हिसाब से शेयर कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के. एक होता है जो कंपनी एक्ट 2000 सेक्शन 43 के अंतर्गत शेयर कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के. पहला होता है इक्विटी शेयर सेक्शन 43A एंड सेकेंड प्रेफरेंस शेयर कंपनी एक्ट 2013 बेसिस पे सेक्शन 43B. ओके, फर्स्ट हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की, कि प्रेफरेंस शेयर होते क्या हैं और प्रेफरेंस शेयर के कितने टाइप्स होते हैं. उसके बाद फिर हम बात करेंगे इक्विटी शेयर की. ओके, फर्स्ट आता है प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर सेक्शन 43B के अंतर्गत क्या कहा गया है, प्रेफरेंस शेयर आर द शेयर विच कैरी आउट द फॉलोइंग टू प्रेफरेंशियल राइट. यानी प्रेफरेंस शेयर वालों को जो प्रेफरेंशियल राइट मिलती है, वो जो दो राइट्स मिलता है वो कौन से ऐसे दो राइट्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर वाले को मिलते हैं. ठीक है, वो जो दो राइट्स होते हैं वो किसके बेसिस पे आते हैं, वो आपके प्रेफरेंस शेयर के हिसाब से. अब कौन कौन से राइट्स हैं, कौन कौन से अधिकार हैं वो देखते हैं. फर्स्ट है प्रेफरेंस राइट टू बी रिसीव डिविडेंड टू बी पेड द फिक्स अमाउंट और द अमाउंट कैलकुलेटेड एट द फिक्स रेट. यानी फिक्स प्रेफरेंस शेयर जो होती है हमेशा एक फिक्स रेट के आधार पे होता है, जो उनको कैलकुलेट किया जाता है ना फिक्स रेट के आधार पे, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उनको ये राइट मिलती है विच मे बी आइदर बी फ्री और सब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स बिफोर द पेड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर. यानी इसकी कंडीशन में प्रेफरेंस शेयर राइट का मतलब क्या, डिवाइडेड पेड फिक्स अमाउंट और एंड अमाउंट और कैलकुलेट ऑफ द फिक्स रेट, जो उनको फिक्स रेट दिया जाता है विच मे आइदर बाई फ्री फॉर of or subject in the income tax before it's paid the equity share. यानी equity share के पहले इनका जो payment किया जाता है. अब second rights इनकी क्या मिलती है, return of capital on the winding up of the company. जब company wind up होती है, जिनकी capital जब return होती है before that on of equity share. यानी equity share के पहले इनकी capital की क्या होता है, पेमेंट होता है. होल्डर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर आर द कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर. जो भी इस टाइप के शेयर को होल्ड किए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर. ओके, अब आते हैं हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर. टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, कितने टाइप्स में डिवाइडेड हैं. तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो डिवाइडेड हैं यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर, वो कितने टाइप्स में है. पहले डिविडेंड के बेसिस पे, जिसको हम लोग कॉम्युनिटिव एंड नॉन कॉम्युनिटिव कहा गया. पार्टिसिपेशन इन सरप्लस, यानी सरप्लस के आधार पे जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके आधार पे क्या कहा गया, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग. एंड फिर कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से, यानी कन्वर्ट करने के हिसाब से कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल. एंड लास्ट जो फोर्थ डिवाइडेड है, रिडम्पशन यानी रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल. यानी इस पार्ट में डिवाइड किया गया है. तो पहले हम बात करते हैं किसका, डिविडेंड के बेसिस पे, कॉम्युनिटिव एंड नॉन कॉम्युनिटिव. विद द रेफरेंस टू डिविडेंड, कॉम्युनिटिव प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कॉम्युनिटिव प्रेफरेंस शेयर. फर्स्ट कॉम्युनिटिव प्रेफरेंस शेयर आर दोस प्रेफरेंस विच द कैरी द राइट्स ऑफ द रिसीव एरर्स और डिविडेंड बिफोर द डिविडेंड इज पेड ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर. यानी सबसे पहले जो कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर की होती है, जो एरर होता है यानी जो भी रुका हुआ डिविडेंड है, किसके पहले मिलता है, इक्विटी शेयर के पहले. फिर नेक्स्ट है नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर आर दोस प्रेफरेंस शेयर विच डू नॉट कैरी द राइट्स द रिसीव एरर ऑफ डिविडेंड. यानी
जो एरर और डिविडेंड होती है, जो इन केस अगर कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया होगा प्रेफरेंस शेयर वाले को, तो जब कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर होगा तो उनको पहले डिविडेंड दिया जाएगा, किसके पहले? इक्विटी शेयर होल्डर के पहले। लेकिन नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर में ऐसी तरह की कोई राइट्स नहीं होती है। ओके, अब आता है विद द रेफरेंस ऑफ पार्टिसिपेशन इन सरप्लस, रेफरेंस टू द पार्टिसिपेशन इन सरप्लस, ये भी दो टाइप्स के हैं, प्रेफरेंशियल शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। एक पार्टिसिपेटिंग है और दूसरा नॉन पार्टिसिपेटिंग है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होता क्या चीज़ है, तो आइए देखते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी मे प्राइवेट दैट आफ्टर डिविडेंड हैज बीन पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर विल ऑल्सो हैव द राइट्स द पार्टिसिपेटेड इन द रिमेनिंग प्रॉफिट। द प्रेफरेंस शेयर कैरी द राइट्स ऑफ द कॉर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। यानी जब भी कभी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से क्या होता है कि जब डिविडेंड इक्विटी शेयर वालों को दे दी जाती है, यानी प्रॉफिट का एक पार्ट दे दिया जाता है, उसके बाद जो भी रिमेनिंग शेयर बचता है, जो प्रॉफिट बचता है, उसको किसको दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं। इस टाइप के को क्या कहा जाता है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब इसी हिसाब से नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या है? प्रेफरेंस शेयर विच डू नॉट कैरी द राइट्स टू पार्टिसिपेटेड इन द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर हैव बीन पेड अप द डिविडेंड ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। यानी इक्विटी शेयर वालों को, यानी प्रेफरेंस शेयर वालों को दिया गया, फिर इक्विटी शेयर वालों को देने के बाद जो रिमेनिंग जो प्रॉफिट होती है वो किसको नहीं दिया जाता है? शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो इस टाइप के जो शेयर होल्डर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ठीक, अब इसके बाद आता है विद रिगार्ड ऑफ द कन्वर्टेबल, यानी कन्वर्टेबल के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर को कौन से भाग में बांटा गया है? एक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, एक नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आर दोज प्रेफरेंस शेयर विच कैरी द राइट टू बी द कन्वर्टेड इन टू इक्विटी शेयर। इनको जो राइट्स मिल जाती है वो किसमें? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने की। ठीक है, यानी प्रेफरेंस शेयर को हम लोग कन्वर्ट किसके, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे उनको हम लोग किसमें, शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर में। लेकिन सेकेंड है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आर दोज प्रेफरेंस शेयर विच डू नॉट कैरी द राइट टू द कन्वर्टेबल इन टू इक्विटी शेयर। यानी इनको कोई राइट्स नहीं होता कि ये कन्वर्ट किसमें, यानी किसमें बदल जाए? इक्विटी शेयर में। इस टाइप के जो शेयर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अब आता है विद द रेफरेंस ऑफ रिडम्पशन, यानी रिडम्पशन के बेसिस में जो कंपनी कहती है कि प्रेफरेंस शेयर को बांटा गया है, दो टाइप्स के हैं। एक है विद द रेफरेंस ऑफ द रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर एंड इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर दोज प्रेफरेंस शेयर विच आर द रिडीमेबल बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ स्पेसिफाइड फॉर देयर रिपेमेंट और ईयरली द रिपेमेंट ऑफ अमाउंट और टर्म एज रिडम्पशन। यानी कंपनी क्या करती है, जब भी कोई शेयर का होता है, जब टाइम टू टाइम वो के प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करती है, उसका पेमेंट कर देती है। तो इस टाइप के जो भी शेयर आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इस टाइप के जो भी शेयर आएंगे उनका क्या कहा जाता है? उनको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब दूसरा जो आता है वो हमारा क्या आता है? इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के बारे में कंपनी क्या करती है? कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से क्या कहा गया है कि कोई भी इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कब हो सकती है? आर दोज प्रेफरेंस शेयर द अमाउंट ऑफ विच कैन बी रिटर्न बाय द कंपनी टू द होल्डर सच शेयर वेयर द कंपनी इज वाइंड अप। यानी कोई भी ऐसा शेयर, इंडिविजुअल प्रेफरेंस शेयर, दोस्त प्रेफरेंस शेयर द अमाउंट विच आर नॉट रिटर्न। तो इस टाइप की जब कोई भी रिटर्निंग वाली कोई जब कंपनी रिटर्न नहीं करती है तो ऐसी टाइप की कंपनी के जो शेयर होते हैं उसको इंडिविजुअल प्रेफरेंस शेयर करते हैं। लेकिन बट द कंपनी एक्ट 2013 डज नॉट परमिटेड इशू द इंडिविजुअल प्रेफरेंस शेयर। यानी कंपनी जब पहले के एक्टों में होता था, लेकिन अब कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से इंडिविजुअल प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू ही नहीं कर सकती, तो इसको रिडीम करने की कोई बात आती ही नहीं। अब आते हैं जो अभी तक हमने प्रेफरेंस शेयर की बात किया था, अब आते हैं इक्विटी शेयर कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 43 सबसेक्शन ए। ओके, इक्विटी शेयर
है क्या? इक्विटी शेयर और दो शेयर विच आर नॉट ए प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। ये प्रेफरेंस शेयर नहीं होने का मतलब क्या, जो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर थे जो उनके अलग अलग राइट्स होती हैं उसके अंतर्गत नहीं आते हैं, तो उस टाइप के शेयर वाले को क्या कहा जाता है, वो इक्विटी शेयर। दस दिस शेयर होल्डर डू नॉट इंजॉय द प्रेफरेंस राइट, इनको प्रेफरेंस राइट नहीं मिलता, यानी डिविडेंड पे राइट्स हो या फिर वाइंड अप के समय जो पेमेंट के समय हो रही है, रिडीमेबल की कंडीशन हो रही है, तो इस टाइप की कोई राइट नहीं मिलती, यानी कन्वर्टेबल की राइट नहीं है, पार्टिसिपेटिंग की राइट नहीं है, रिडम्पशन की राइट नहीं है, तो इस टाइप की जो प्रेफरेंस राइट्स नहीं मिलती है, उस टाइप के जो शेयर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर। देयर रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स एंड इट्स द वेरियस फ्रॉम द ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी और पोजिशन ऑफ द कंपनी। इनका जो डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स नहीं होता। जैसे डिविडेंड की कंडीशन में, अगर जैसे प्रेफरेंस शेयर में उन्होंने वही बात किया कि डिविडेंड यहाँ पे क्या होती है, फिक्स होती है, जो रेट टू डेट चेंज नहीं होती। लेकिन हम इक्विटी शेयर की बात करें तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि एवरी ईयर उसको डिविडेंड देगा, और उनका रेट भी फिक्स नहीं होती। वो किस पर डिपेंड करता है, कंपनी के प्रॉफिट पे। ओके, दे मे गेट डिवाइडेड at the higher rate if profit at are large and may get nothing if profit are insufficient। इनको जब भी कंपनी जब डिविडेंड देती है किसको, इक्विटी शेयर वाले को, यानी इक्विटी शेयर वाले को जब भी डिविडेंड देगी किस कंडीशन में होती है, जब कंपनी को हायर रेट ऑफ प्रॉफिट होती है तब, अगर सफिशियंट प्रॉफिट है तब की कंडीशन में कंपनी अपने शेयर होल्डरों को, इक्विटी शेयर वालों को ऐसे प्रॉफिट कट नहीं दे सकती। दे आर पेड डिविडेंड ओनली द आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इनका जब भी डिविडेंड दिया जाएगा, कभी भी इक्विटी शेयर वाले को डिविडेंड दिया जाएगा, तो उसके पहले किसको देना होगा, उसको प्रेफरेंस शेयर वाले को, उसके बाद ही इक्विटी शेयर वाले को होती है, यानी पेमेंट कब होती है, आफ्टर प्रेफरेंस शेयर। ओके, ए कंपनी कैन बाई बैक इट्स इक्विटी शेयर सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन लेट डाउन अंडर द सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी अपने शेयर को बाईबैक करती है, लेकिन किसको, जब वो फुलफिल टर्म और कंडीशन फुलफिल रहती है तभी, और ये किसके अंतर्गत है, कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत। अल्टरनेटिवली एज द रिकार्ड द रिपेमेंट ऑफ देयर कैपिटल कंसर्न दे विल बी पेड द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इन इफ सरप्लस रिमेन आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यानी कंपनी अल्टरनेटिव जब उसका पेमेंट करती है, कब वाइंड अप होती है, यानी वाइंड अप होती है तब की कंडीशन, जब कंपनी क्लोज हो रही है तो उसकी कंडीशन में कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर का होल्डरों को पेमेंट करती है, करने के बाद जब कोई पैसा बचता है, जो सरप्लस बचेगा, तब किसको पेमेंट करेगी, इक्विटी शेयर वाले को। जब तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पूरा पेमेंट नहीं होता तब तक कंपनी इक्विटी शेयर वाले को पेमेंट नहीं करती है। एट द टाइम कीपिंग इन द व्यू ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन द इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी इस टाइप के कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल में जो रिस्की होती है और मैक्सिमम रिस्क कवर करते हैं, इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रिस्की कैपिटल। इसलिए इसे क्या कहा गया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिस्की कैपिटल। इनको किस नाम से भी जाना जाता है, रिस्की कैपिटल के नाम से भी, क्योंकि कंपनी के इक्विटी शेयर पर रिस्क होता है, मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम गेन। तो ये था हमारे काइंड्स ऑफ शेयर्स। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। ओके, थैंक यू।